रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ अब खैरियत से होंगे। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से मिर्ज़ा सफ़दर बेग लेक्चरर इस्लामियात गवर्नमेंट कॉलेज बसीरपुर से आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपको इल्म है कि मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी के चैनल से आपको हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑथेंटिक मालूमात आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आज इसी सिलसिले में हमने एक लेक्चरर इस्लामियात के हवाले से आपको कुछ मालूमात देनी है और जो लोग कामयाब हो चुके हैं उन सबको मुबारकबाद। तो लेक्चर आप सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और लिंक इसका शेयर कर लिया करें और इसको लाइक कर लिया करें, क्योंकि इस चैनल से आपको इंशाल्लाह जो है वो बेहतर से बेहतर मालूमात और 100% जो मालूमात है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि आपको इल्म है कि जुमा के दिन लेक्चरर इस्लामियात का रिजल्ट आया और उसमें मेल इस्लामियात का जो रिजल्ट आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक असीम तादाद में लोगों ने क्वालिफाई किया। टेस्ट की नौयत कुछ ऐसी थी कि जिससे मेरिट जो है वो पहली दफ़ा इतना ज़्यादा हुआ है, क्योंकि टेस्ट बज़ाहिर यही था कि वो मुश्किल टेस्ट नहीं था। इसी वजह से पहली दफ़ा 2012 में भी ऐसा नहीं हुआ, 2015 जो है 2021 में 15 में मेरिट जो था वो 60 था, 17 में 56.25 था और 2021 में 60 था। इस दफ़ा पहली दफ़ा मेरिट जो है लेक्चर इस्लामियत का लोग पूछ रहे हैं, मेल का मेरिट जो है ना वो 65.25 जो 65 पे मेरिट गया है। तो इसका मतलब है कि ये मेरिट आम अंदाजों से ज़्यादा हाई रहा है, आम अंदाजों से ज़्यादा हाई रहा है। अब उसकी नौयत जो है वो इस्लामियत का जो पोर्शन है वो आसान था। अब यहाँ पे जो फर्क जिन लोगों को आया है, जो लोग क्लियर हुए हैं, उनकी बुनियादी वजह जो है वो बुनियादी तौर पर जनरल नॉलेज है। उनके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है वो बड़ा फर्क डाल रहे हैं। हम इस्लामियत वाले अक्सर यही लोग करते हैं कि कोशिश नहीं करते हम जीके को पढ़ने की। तो जीके जो है इसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको सही करें, स्टेप बाय स्टेप उसको सीखने की कोशिश करें। और मिसाली ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह जीके के सेशन, एजुकेटर्स के सेशन जो है वो रेगुलर चल रहे हैं। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि 65.25 मेरिट है मेल का, फीमेल का मेरिट क्या होगा अभी कुछ दिनों में अंदाजा हो जाएगा और उम्मीद ऐसी ही की जा रही है कि वो मेरिट भी जो है बिलो 60 और अबव 50 ही रहेगा, यानी कि 50 से 60 के दरमियान होगा, वो भी कम मेरिट नहीं होगा। जैसा कि अंदाजा यही है कि सीटें 184 होने की वजह से मेरिट बिलो 50 होने के चांसेस थे, मगर अब ये लग रहा है कि पेपर आसान होने की बुनियाद पे वो मेरिट 50 से राउंड अबाउट 55-56 रहने की ज्यादा चांसेस हैं। तो 60 और 50 के दरमियान होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप को अल्लाह ताला ने इस बार पिछले साल की बनिस्बत भी बहुत ज़्यादा एजाज बख्शा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमारे 35 स्कॉलर जो मेल थे वो हमारे फाइनल टेस्ट में जो है कामयाब हुए थे। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 70 स्कॉलर जो है मिसाली ग्रुप के, जिन्होंने बाकायदा तौर पर हमारे ग्रुप से तैयारी की अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला की खास रहमत है कि स्कॉलर्स की मेहनत है, वालदैन असाज़ा की दुआएं हैं, और हमारा वो पैटर्न है कि हम एक टू द पॉइंट बच्चों को पढ़ाते हैं और उलझाओं की तरफ नहीं लेके जाते। हर चीज़ की टेस्टिंग है, आप कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइव क्लासेस में आपको पढ़ा के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं और ऐसे पढ़ाया जाता है कि जैसा कि आप किसी रेगुलर यूनिवर्सिटीज में एमए कर रहे होते हैं। तो पूरे सब्जेक्ट को एक तफसीली लेक्चर्स के अंदर हम आपको वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप से पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है तादाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप से, और चूँकि वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम जितने भी ग्रुप्स हैं वो मिसाली ग्रुप के ही आगे पढ़े हुए लोग हैं जो दीगर ग्रुप्स चला रहे हैं। तो अब हमने स्कॉलर्स के लिए एक बेहतरीन सेशन जो इंटरव्यू का सेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, उसका आगाज करने जा रहे हैं। तो उसके आगाज के लिए हमने इंशाल्लाह ये 15 से 20 दिन मुख्तस किए हैं। इन 15-20 दिनों में हम भरपूर तरीके से एक बेहतरीन तैयारी करेंगे जिसके अंदर उनके इंटरव्यूज भी होंगे और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका लाइव अमल जो है वो हम 1-2 दिन तक दे रहे हैं। आप इसे जो स्कॉलर्स इंटरव्यू की एक बेहतरीन इदारे से तैयारी करना चाहते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू लेने वाले जो पैटर्न है उसके मुताबिक हमारा एक पूरा पैनल होगा जिसके मुताबिक हम आपके इंटरव्यूज भी लेंगे। ये इंटरव्यूज
फिजिकल भी होंगे और ऑनलाइन भी इंटरव्यूज होंगे। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आज और कल के अंदर आप इंशाल्लाह हमें ज्वाइन कर लें। जैसे ही आप हमारे इस लेक्चर को सुने, दूसरों तक भी पहुंचाएं, खुद भी आप इस सेशन को ज्वाइन करें, तो इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे, एक बेहतरीन तैयारी आपको इस सेशन से करवाई जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने ये नंबर लिखे हुए हैं 0300-438-1348, 0313-678-060। इन नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं मिर्जा सफदर बेग, लेक्चरर इस्लामियात गवर्नमेंट कॉलेज वसीरपुर, बैच 2017, अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी स्कॉलर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो आप हमसे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अपनी भरपूर कोशिश के साथ इंटरव्यू की एक बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। और याद रखिए, इंटरव्यू एक टेक्निक है, इस टेक्निक को समझना है, सीखना है, इस चांस को, इस मौके को जाया नहीं करना। और इसके साथ ही हमारा नए बैच के लिए लेक्चरर इस्लामियात के लिए हमारा जो है वो सेशन वो शुरू हो रहा है, जो 2023 के अंदर आने वाली सीट्स हैं, मुतवक्के सीट्स हैं, उनके हवाले से और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात के हवाले से वो सेशन भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हमारा आगाज होने जा रहा है। और सितंबर के अंदर हम उसके रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेंगे और इसके इंशाल्लाह सितंबर के आखिर में हम उसकी क्लासेस का बाकायदा आगाज कर देंगे। तो जो लोग कामयाब नहीं हुए वो सेशन में आ सकते हैं, या जो लोग नए हैं जिनका भी मास्टर हुआ वो सेशन में आ सकते हैं। बाकी इंटरव्यू सेशन को कभी ना भूलिएगा, इसको फौरी तौर पर तैयार कीजिएगा। बाकी इसके मेजर लेक्चर जो है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको आपके चैनल पर अवेलेबल होंगे। दुआ भी कीजिएगा, दवा भी कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।